हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस वीडियो का आगाज़ मैं इस दुआ के साथ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबके वालदैन को लंबी ज़िंदगी सेहत और ईमान के साथ अता कर दीजिए, तमाम बीमारियों से दूर कर दीजिए उनको। जिन जिन के वालदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दें, उनके वालदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें, आमीन। ये है जी ईद का सेकेंड डे जो हमने सेलिब्रेट किया था अपने माशाल्लाह फैमिली फ्रेंड्स के साथ और बहुत इन्जॉय किया था। ईद का फर्स्ट डे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा वो फर्स्ट डे का व्लॉग देख चुके होंगे ईद का। अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाके मेरा चैनल सर्च करेंगे नाज व्लॉग्स इन ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर आप मेरे ईद के फर्स्ट डे की वीडियो देख सकते हैं। वो उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम यहाँ ईद की नमाज़ कैसे पढ़ने जाते हैं और फिर उसके बाद हमारी रूटीन क्या होती है, वो आप मेरा उस वीडियो में देखिएगा। ये हमारा ईद का सेकंड डे था, ये भी हमने बहुत एंजॉय किया एज़ यूजुअल, जैसे हमने फर्स्ट डे एंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं, लेकिन ये कि घर वालों की याद बड़ी आई है उस टाइम पे जब हम यहाँ इस तरह के फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, बड़ी याद आती है अपने घर वालों की। ज़ाहिर है उनकी कमी तो कोई भी मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये कि वी आर वेरी ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने यहाँ कुछ ऐसी फैमिलीज़ के साथ माशाल्लाह मिलना जुलना करवाया है जो बड़ी केयरिंग हैं, बहुत नाइस हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं, बड़ा ख्याल रखती हैं वो और फील नहीं होने देती हैं कि हम यहाँ परदेश में। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट 8 साल हो गए मुझे अपने घर वालों के साथ ईद किए हुए, मैंने 8 साल से नहीं किए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 8 साल से पाकिस्तान नहीं गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर पाकिस्तान जाती हूँ, लेकिन यह है कि उसमें सम टाइम कभी हम टर्म ब्रेक जो आते हैं बच्चों के एवरी 3 मंथ्स के बाद, उस वो टाइम होता है पाकिस्तान जाने का, या जब इनका साल का एंड होता है जो कि दिसंबर जनवरी होता है उस टाइम हम पाकिस्तान जाते हैं। उस टाइम में ज़ाहिर है कोई ईद आती नहीं है, ना छोटी ईद ना बड़ी ईद, तो इस तरह से फिर हमारी एक खलीज दिल में रह जाती है कि ईद अपने घर वालों के साथ हो। तो वैसे अच्छी फैमिलीज़ का होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि जिनके साथ आप अपना जब टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको कहीं से भी ये फील ना हो कि आप परदेश में हैं या अपने घर वालों से बहुत दूर हैं, और वो जिनके साथ आप अपनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपनी सारी खुशियाँ शेयर कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरा ये ईद का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नहीं मतलब इन्हें बहुत शौक है बारबेक्यू का, तो आप मेरे लिए तो ये देखो ये